Have you ever had a dream that you want him to do you so much you could do anything? Hello everyone, आज हम बात करेंगे childhood onset fluency disorder जिसको stuttering भी कहा जाता है. इसके diagnostic criteria की बात करें तो disturbance होती है normal fluency में, टाइम पैटर्न ऑफ स्पीच में जो कि इनअप्रोप्रिएट होती है इंडिविजुअल की एज से और लैंग्वेज स्किल्स से, और ये ओवर टाइम परसिस्ट करती है. चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर जो है उसमें अक्रेंस होती है एक या एक से ज़्यादा मंदरजा ज़ेल कैरेक्टर्स की, जिसके अंदर सबसे पहले ये है साउंड एंड सिलेबल रिपीटेशंस होती हैं साउंड और सिलेबल की. सेकेंड, साउंड जो है वो प्रोलॉन्ग किया जाता है, उसको खींचा जाता है वॉवल्स का, ए ई आई ओ यू और कॉन्सनेंट्स अदर देन वॉवल्स. थर्ड, ब्रोकन वर्ड्स. ब्रोकन वर्ड्स मतलब लफ्ज़ों के बीच में पॉजेज आते हैं. फोर्थ, ऑडिबल और साइलेंट ब्लॉकिंग. अब वो जो ब्लॉक जो स्टक हो रहा होता है अल्फाज मुंह में जो फंस रहा होता है वो ऑडिबल भी हो सकता है जिसके फंसने की आवाज़ आ रही हो, या साइलेंट भी हो सकता है जिसकी आवाज़ ना आ रही हो मगर वो स्टक होता है इंसान के मुंह में. वो उसके ब्रेन में चल रहा होता है कि हाँ मैंने ये बात बोलनी है मगर उन्हें बोलने में मुश्किल हो रही होती है. सर्कमलोकेशन, वर्ड सब्स्टिट्यूट्स होते हैं टू अवॉइड प्रॉब्लमैटिक वर्ड्स. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे गाड़ी बोलने में मुश्किल हो रही है तो मैं गाड़ी नहीं बोलूंगी बल्कि उसकी हिंट्स दूंगी ताकि मैं इस वर्ड को बोलने से स्केप कर सकूं, इस सिचुएशन से स्केप कर सकूं. मुझसे गाड़ी नहीं बोली जा रही तो मैं बोलूंगी वो व्हीकल जिसकी चार पहिए होते हैं, एक स्टीयरिंग होता है, चार सीट्स होती हैं, चार टायर होते हैं, विंडस्क्रीन होता है, चार दरवाजे होते हैं. तो यानी मैं इस तरह से हिंट दूंगी कि मैं गाड़ी की बात कर रही हूँ मगर मैं डायरेक्ट गाड़ी नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होता है, और जब मुझे प्रॉब्लम होता है तो मैं कोशिश करूँगी कि उससे मैं स्केप करूँ. कि आप एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट करो टू अवॉइड प्रॉब्लमैटिक वर्ड्स, जो आपसे नहीं बोले जा रहे आप उनको अवॉइड करके एक लंबा चौड़ा बताओ कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ. यूजली जब लोग बोलते हैं स्टटर करते हैं वर्ड्स में तो उनके फिजिकल टेंशन बहुत ज़्यादा होती है. अगर आप फोकस करो तो उनके फेशियल टेंशन्स आ रही होती हैं फेशियल फीचर्स में. मोनोसिलेबिक होल वर्ड रिपीटेशन, जो सिंगल सिलेबल होता है, जैसे आई सी हिम, नॉर्मल आई सिंगल सिलेबल है तो आई को दो तीन चार बार रिपीट किया जाता है. तो ये फर्स्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के कुछ पॉइंट्स हैं. सेकेंड, ये मुश्किलात जो होती हैं ये एंग्जाइटी प्रोड्यूस करती हैं जिसकी वजह से आपका बोलना और एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है, जिसकी वजह से आप एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, सोशल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता, एकेडेमिक और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस भी आपकी सफ़र करती है, इंडिविजुअली भी, ग्रुप में भी, कम्बिनेशन में भी. थर्ड है कि इसके जो सिम्टम्स के ऑनसेट होता है, इसके सिम्टम्स जो रोनमा होते हैं वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में होते हैं. अगर डेवलपमेंटल पीरियड में नहीं होते और लेटर ऑन केसेस जो आते हैं तो उनको एडल्ट ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर भी कहा जाता है. डिस्टर्बेंस जो है उसे एट्रीब्यूट नहीं किया जाता कि स्पीच मोटर या सेंसरी डेफिसिट की वजह से है या किसी, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, ट्यूमर हो गया, ट्रॉमा हो गया, ये किसी और मेडिकल कंडीशन से ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. इसमें एसोसिएटेड फीचर्स की अगर हम बात करें तो फियरफुल एंटिसिपेशन होती है प्रॉब्लम की जो कि डेवलप हो रही होती है. जो स्पीकर होता है वो अवॉइड करता है बोलने में, और वो जैसे कि स्पीच के जो स्पीड है उसको हल्का करके बोलना शुरू कर देगा या कुछ ऐसे वर्ड्स और साउंड्स को अवॉइड करेगा जिसके अंदर वो अटकता है या फंसता है या उससे नहीं बोला जाता, तो वो उनको अवॉइड करना शुरू कर देता है. कोई सोशल इवेंट है और स्पीच आपने देनी है या आपने बात करनी है तो वो ऐसे सिचुएशंस से भी भागता है और उनको अवॉइड करता है जहां उसको बोलना पड़े, जैसे कि टेलीफोन हो गया या पब्लिक स्पीकिंग हो गई. इसके साथ साथ, और जब एक इंडिविजुअल जो है उसको टेंस होता है, वो स्ट्रेस होता है या उसे एंग्जाइटी होती है, तो ये चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जाती हैं और ये और ज़्यादा वो अटकने शुरू हो जाता है. इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है अजय प्रेम की गजब कहानी में एक इमोशनल सा सीन आता है, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो देखें, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह इस चीज़ का पता चल जाएगा, आप बहुत ईजिली इसको रिलेट कर पाओगे और आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे. चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स जो हैं इनके साथ साथ मोटर मूवमेंट्स के भी इश्यूज आते हैं, जैसे कि आई ब्लिंक करना बहुत ज़्यादा या
करना या लिप्स का ट्रेमर करना या फेस या जर्किंग ऑफ हेड या ब्रीदिंग मूवमेंट आपकी बहुत ज़्यादा या फिस्ट क्लेंचिंग करना, फिस्ट को दबाना, ये साथ साथ आते हैं. जैसे जैसे आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी ज़्यादा होती जाती है, आपकी ये चीज़ें जो हैं वो भी ज़्यादा होने शुरू हो जाती हैं. रिस्क और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो इस स्टटरिंग का रिस्क जो होता है वो बायोलॉजिकल रिलेटिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स में ज़्यादा होता है. जिनके फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है उनके अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दोज जनरल पॉपुलेशन. डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो सेंसरी डेफिसिट्स, नॉर्मल स्पीच डिसफ्लुएंसीज, मेडिकल साइड इफ़ेक्ट्स, एडल्ट ऑनसेट डिसफ्लुएंसीज, टॉरेट डिसऑर्डर.